Hello kids, how are you? I hope everyone fit and fine. My name is Chetna Mahajan from Deep Darshan Vidya Sankul. I am teaching in English Medium Pre-Primary section. So kids, today I will different activities. These activities you try your home. आज मैं आपको कुछ अलग different activities सिखाने वाली हूँ जो आपके घर में आप खेल सकते हो. उसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. इसके पहले भी जो मैंने आपको activity करवाई थी वो भी आपको घर में सब अवेलेबल हो वैसे ही मैंने एक्टिविटी करवाई थी. तो आज हमारी एक्टिविटी है पल्स एक्टिविटी. ये देखो मैंने यहाँ कितने सारे पल्स लाई हूँ मैं. ये देखो आपको पता है इनके नाम क्या है? आपको पता है? नहीं तो ये है ग्राम, दिस वन फर्स्ट है स्प्लिट ग्राम यानी के चने की दाल, फिर सेकंड है ब्लैक ग्राम यानि अरहर की दाल, ये येलो ग्राम यानि मूंग दाल, ये रेड लिमिट्स यानि मसूर की दाल, ये रेड ग्राम यानि तुवेर की दाल, ये मिथक दाल यानि मिथक ग्राम यानि मटकी दाल. तो आपको ये एक्टिविटी क्या करनी है, ये मैंने सारे जो ग्राम्स है जो पल्स है मैंने मिक्स करके रखे. तो इसको आपको क्या करना है, सबको डिवाइडेड करना है. जैसे हमने 1 मिनट की गेम खेलते थे ना इसी तरह. तो पहले हम क्या करेंगे, ये रेड लिमिट्स यानी मसूर की दाल अलग करेंगे इस तरह से, फिर ये ब्लैक ग्राम यानी अरहर दाल काली दाल, उसको हम ऐसे अलग अलग डिवीज़न करेंगे यानी अलग अलग करेंगे, फिर ये रेड ग्राम यानी तुअर दाल हम अलग करेंगे. ये देखो इस तरह से, फिर ये स्पिरिट ग्राम यानी चने की दाल हम अलग करेंगे इस तरह से. यह हमें 1 मिनट का टाइमिंग लगा के ये गेम खेलनी है. इससे क्या होता है, ये गेम खेलने से हमारा माइंड शार्प होता है और हम कॉन्सेंट्रेट करने में अच्छे, हमें कॉन्सेंट्रेट करने में मदद मिलती है, हम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. आपको इसको एक साइड कर लो या फिर बाउल में निकालो या फिर इसे प्लेट में अलग अलग करो. इस तरह से आपको सारे पल्स यानी सारी दाल आपको इस तरह से अलग करनी है. ये देखो येलो ग्राम यानी मूंग दाल, आपको सारे पल्स और ये ग्राम्स के नाम आपको याद रखना है. मैं आपको ऑनलाइन क्लास में आपको पूछूंगी. ये आप अपने एल्डर सिस्टर ब्रदर मम्मी के साथ खेल सकते हो. और ये आपके तो किचन में मम्मी ने ये दाल भर के ही रखी होगी ना, तो आपको मम्मी को बताना है कि मम्मी इसको ये बोलते हैं इसको ये बोलते हैं, और आपको बार बार रिमाइंड करते रहना है ताकि आप भूल ना जाए. कोई भी आपको पूछे कि इसको क्या बोलते तो आपको अच्छे से ये आना चाहिए कि ये येलो ग्राम यानी मूंग की दाल है, मथक रेड ग्राम यानी तुअर दाल या इसको अरहर दाल भी बोलते हैं, ये स्पिरिट ग्राम यानी चने दाल. तो आपको ये सारे ग्राम्स यानी पल्स के नाम आपको याद रखने हैं, इसको ऐसे डिवाइडेड करने हैं, और जो आपकी मम्मी ने बर्नी भर के रखी होगी कबॉट यानी किचन के ड्रॉप्स में, तो वहाँ से आपको उसके नाम याद करने हैं और बार बार रिवाइंड करते रहना है और बार बार मम्मी को पूछते रहना है और बोल याद करते रहना है, क्या ताकि आपको जूनियर केजी में भी मैम पूछे तो आपको आना चाहिए, या कोई भी आपको आके पूछे कि इसको क्या बोलते हैं तो आपको अच्छे से आना चाहिए. इस फिर 1 मिनट होने के बाद आपको ये जो पल्स है उसको काउंट करना है. आपको मिसमैच जो हमने किया है उसको आपको डिवाइडेड करना है या अलग अलग करना है. फिर किसने कितने पल्स किए हैं वो फिर हम अभी काउंट करेंगे. देखो अभी मेरी 1 मिनट ख़त्म हो गई, अभी मैं इसको काउंट करूँगी. अभी ये देखो ये कितने हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं स्प्लिट ग्राम यानी चना दाल. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये मैंने 18 निकाले. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ये मैंने 21 निकाले. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. ये मैंने 37 निकाले हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ये मैंने 16 निकाले. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये मैंने 10 निकाले. अभी ब्लैक क्रेन कितने निकाले हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. तो मैंने हर एक दाल अलग अलग काउंट की है और अलग अलग मैंने निकाले. तो सबसे ज़्यादा मैंने ये रेड लिमिट्स यानी कि मसूर की दाल ज़्यादा निकाली है, फिर काढ़ी उड़द की दाल ज़्यादा निकाली है, फिर चना दाल, फिर तुवर दाल और सबसे कम मैंने ये मटर की दाल निकाली. ऐसे आपको काउंट करते रहना है और ऐसे एक्टिविटी के पिक आपको मैम को भेज देना है और आपको एक्टिविटी करके मज़ा आया वो भी हमें बताना है. और अभी समर वेकेशन में ज़्यादा बाहर नहीं जाना है क्योंकि बाहर बहुत हॉट है, यानी कि समर बहुत हॉट है और अभी बाहर निकलना भी सेफ नहीं है. तो अपने घर में रहो, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी सैनिटाइजर. तो आपको घर में रह के भी सैनिटाइजर करना है और कंपलसरी आपको मास्क पहनना है. थैंक यू बच्चों.